Very good morning, dear students. Today we will start the chapter number 3, and the name of the chapter is Atoms and Molecules. आज हम बच्चे chapter number 3 start कर रहे हैं, जिसका नाम है Atoms and Molecules. सबसे पहले हम कुछ laws के बारे में बात करेंगे, जो किसी भी chemical combination के लिए important है. तो सबसे पहला law जो किसी भी केमिकल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इस लॉ के अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है या जब भी कोई फिजिकल या केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट का मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो दोनों सेम हो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा. इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया. कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, यहाँ पे O2 है तो 16 × 2 ये हो जाएगा 12 + 32 = 44U. ठीक है, ये हो जाएगा 44. रिएक्टेंट का मास कितना है? 44 ग्राम या 44 AM. और प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का मास 12 है, O2 का फिर 2 × 16 कितना हो जाएगा? 44. तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट है. तो ये वाली रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रही है. तो कोई भी जब रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है. इसके बिना आपकी रिएक्शन गलत होगी. ठीक है, आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं बनेगा. ठीक है, और जो नेक्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन. अब बच्चे देखिए, आपने वाटर बनाना है, चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे वो समुंदर का पानी हो, चाहे वो आपके घर के नल का पानी हो, सब में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबिनेशन होगा वो सेम रेशियो में होगा. क्या रेशियो है वो? 1:2. H2O बनता है ना, हाइड्रोजन का मास 1 है, 2H है तो ये हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का होगा 16, इसको करेंगे तो ये 1:8 आ जाएगा. तो जब भी हमने वाटर फॉर्म करना है तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए. इस रेशियो में चाहिए, 1:8 में. अगर इनकी रेशियो चेंज होगी, मान लो यहाँ पे H2 और O2 लगा दिए मैंने, मान तो ये वाटर ही कुछ और बनेगा. ठीक है, तो कोई भी हमें कंपाउंड बनाने के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट सेम एलिमेंट चाहिए और सेम प्रपोर्शन में चाहिए. जब भी हमने वाटर बनाना है तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी रेशियो में चाहिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और एटम नहीं चाहिए. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन मीन्स अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन. एग्जाम्पल क्या है? द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन प्योर वाटर इज 1:8. अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो 1:8 होती है तभी हमारे पास वाटर बनेगा. अगर ये रेशियो चेंज होती है तो हमारे पास वाटर फॉर्म नहीं होगा. ठीक है बच्चे, अब सेकेंड जो टॉपिक है इस चैप्टर का, एटम के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले एक डाल्टन था साइंटिस्ट, उसने एटम के बारे में बताया. उसके कुछ फॉस्मुलेट्स हैं जो उसने एटम के बारे में बातें की हैं, उसकी एक थ्योरी है.
उसके अकॉर्डिंग जो भी मैटर है, जितनी जितना भी मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो भी मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इंडिविजिबल मतलब जो आगे डिवाइड ना हो पाए। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। उस स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम। तो जितना भी मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से। जैसे हमें घर बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, ब्रिक्स बन बन के एक पूरी बिल्डिंग बनती है, वैसे ही जो मैटर है वो किससे मिलके बनता है? एटम से। तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट डाल्टन का क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। और जो एटम है वो इंडिविजिबल है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट इज इंडिविजिबल। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये क्या है? इंडिविजिबल है। और थर्ड पार्टिकल क्या है? एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। कोई सब्सटेंस है उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, उनका जो शेप साइज स्टेट सब क्या होगा? सेम होगा। एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। नेक्स्ट पार्टिकल्स क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हो रही है एटम उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम से एटम को हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटम की डेफिनेशन। व्हाट इज एटम? एटम इज द, जैसे हमने ऊपर चार बातें पढ़ी हैं, क्या होता है एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इट इज इनडिविजिबल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इनडिविजिबल। ठीक है, और सारी चीजें किससे मिलकर बनती हैं? एटम से। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। उसके बाद है मॉलिक्यूल। जब दो सेम एलिमेंट या सेम एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो O2 बन गया, ऑक्सीजन को तीन बार कंबाइन किया ओजोन बन गया। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, ये ओजोन है। ठीक है, जब हम सेम पार्टिकल्स को कंबाइन करते हैं, एक से ज़्यादा, दो और दो से ज़्यादा पार्टिकल्स को कंबाइन करते हैं सेम पार्टिकल को, तो हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूल्स। और जब हम डिफरेंट एटम या डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनते हैं कंपाउंड्स। जैसे वाटर बन गया जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, और भी बहुत सारे। तो इनमें हमारे पास टू डिफरेंट क्या है? एलिमेंट्स, टू डिफरेंट एटम्स हैं जो मिलके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जब दो सेम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आइंस। आइंस क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। चार्ज पार्टिकल्स हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कैटाइन, दूसरे होते हैं एनायन। कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटाइन्स आर पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, एनायन्स आर नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब इनकी एग्जांपल अगर मैं कैटाइन की बतानी हूँ जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव,
एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हैं. एनायन में जैसे Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज. जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो केटाइन है, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनायन है. आगे हम इस चैप्टर में और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, एटम के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, कैसे ये कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, कैसे ये कंपाउंड्स बनते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास सिंपल थी, बहुत ही इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी. नेक्स्ट क्लास में हम एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये कंबाइन होके बनते हैं. तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बच्चे.